कुत्ते वाली काहे को मंगाई है, कुत्ते वाली से थोड़ी लगा कोरोना का। तुम डॉक्टर हो या मैं डॉक्टर हूँ, इंजेक्शन लगा दिया। ज़ाफ़रान द मेगा मार्ट में पाए हर प्रोडक्ट पर 5-50% डिस्काउंट। पर्सनल एंड बेबी केयर, ग्रोसरी, ब्रेकफास्ट एंड स्नैक्स, डेयरी एंड बेवरेज, होम एंड किचन, राशन का हर सामान मार्केट से कम दाम। द मेगा मार्ट ज़ाफ़रान। आप ज़ाफ़रान मेगा मार्ट के वेबसाइट या कॉल करके घर बैठे ऑर्डर दे सकते हैं। COD और UPI पेमेंट अवेलेबल, फ्री होम डिलीवरी। आप मोबाइल में ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक बार फिर एक बुजुर्ग को कोरोना वैक्सीन की जगह एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगा दिया गया है। सरकार कोरोना वैक्सीन टीकाकरण का अभियान चला रही है, लाखों रुपए इस अभियान में खर्च किया जा रहा है, मगर वही उत्तर प्रदेश के कुछ स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन और एंटी रेबीज के इंजेक्शन का फर्क ही समझ नहीं आ रहा है। शामली में 3 बुजुर्ग महिलाओं को कोरोना वैक्सीन की जगह एंटी रेबीज की टीका लगा दिया गया था, मगर अब उत्तर प्रदेश के ही हापुड़ जिले से भी एक एंटी रेबीज टीका लगाने का मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग को कोरोना इंजेक्शन के बजाय एंटी रेबीज इंजेक्शन लगा दिया गया। आखिरकार स्वास्थ्य कर्मी अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे और कब ऐसी घटनाओं पर लगाम लगेगी? मैंने कोरोना का इंजेक्शन लगवाने को गया, मैंने कहा कोरोना का इंजेक्शन लग रहे हैं, वो बोला कहे हाँ लग रहे हैं, उनकी तो मेरे लगा दो, कहे ये को ले आओ सिरिंज। मैं बोला उनकी सिरिंज तो अस्पताल में मिला, कहे नहीं नहीं कुत्ते वाली सिरिंज ले आओ। जब उसने 2 बार कही मैं लिया उनकी कुत्ते वाली काहे को मंगाई है, कुत्ते वाली से थोड़ी लगा कोरोना का। तुम डॉक्टर हो या मैं डॉक्टर हूँ? अच्छा। और उसको इंजेक्शन लगा दिया, फिर उसने 3 तारीख दी, 3 दिन के आगे पीछे की। मैं बोला मन के 3 दिन में थोड़ी लगाई, तो 4 हफ्ता के बाद में लगाया। चुप रहो, तुम डॉक्टर हो मैं डॉक्टर हूँ।